लोगों को खुश करने के लिए नाटक कर रहे हैं, दंभ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उनकी श्रद्धा का। इन ढोंगियों से, पाखंडियों से सावधान रह और उनको भी सावधान कर, मेरी प्राप्ति के लिए भजन करो। और आजकल ऐसे से ढोंग पाखंड के धर्म मत चल रहे हैं, राम का विरोध, कृष्ण का विरोध, साकार का विरोध, गीता का विरोध, रामायण का विरोध, गंगा जी का विरोध, वृंदावन का विरोध, धाम का विरोध, संतों का विरोध, वैष्णव का विरोध, भक्ति का विरोध, पूजा का विरोध, एकादशी का विरोध, ऐसे ऐसे धर्म चल रहे हैं इस कलयुग में। हमारे हरियाणा पंजाब में तो बहुत है। पाखंड मत, सत से कोसों दूर। यहां तक कि उनकी अस्थियां भी गंगा जी में नहीं जाने देते, उनके यहां जो नदी है उसमें डालो, पूजा पाठ नहीं करने देते। जब तक उनको गुरु नहीं बनाया तब तक राम कृष्ण के चित्र फोटो घर में है, मूर्तियां घर में है, और जब उनको गुरु जी बना लिया सारी मूर्तियां हट गई, वहां गुरु जी का चित्र लगा दिया। ये स्थिति है, ये पाखंडवाद। तो ठाकुर जी कहते हैं इन लोगों से स्वयं भी सावधान रहो और इन पाखंडियों को भी सावधान कर दो। दसवीं बात क्या, किसी को मेरे दर्शनों का पक्का आश्वासन मत दे। कारण क्या, क्योंकि 20 लोगों के सामने ठाकुर जी के दर्शन हुए, भाई जी को पूज्य सेठ जी ने कराए, 20 लोग भी भाई जी से कहते हैं हमको भी कराओ दर्शन, हमको भी कराओ। तो भाई जी कहते हैं, ठाकुर जी से पूछता कि मैं क्या करूं। तो ठाकुर जी ने कहा उनको आश्वासन नहीं देना कि मैं मिलाऊंगा, है ना, आश्वासन नहीं देना। हाँ, उनको साधना बता दो। कौन सी साधना? नाम जाप। उनको ये साधना बता दो कि वो पापों से बचे, मेरा ध्यान चिंतन करें, नाम जाप करें। तुम अपनी तरफ से आश्वासन नहीं दोगे किसी को भी, क्योंकि मैं अनाधिकारियों को मिलना नहीं चाहता, ढोंगी पखंडियों को मिलना नहीं चाहता, जिनकी अधूरी लगन है उनको मैं मिलना नहीं चाहता, जो अपराध करते उनको मैं मिलना नहीं चाहता। और तुम जब कहोगे कि किसी को आश्वासन दोगे तो तुम्हारी बात मुझको माननी पड़ेगी। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर के लिए का। तुम यदि किसी को कह दोगे तो मुझको जाना पड़ेगा तुम्हारी बात रखने के लिए, इसलिए तुम किसी को नहीं कहोगे कि तुमको भगवान मिलेंगे, आश्वासन नहीं देना। साधना बता दो। कौन सी साधना बतानी है? नाम जाप। मेरे अवतार का, मेरे मिलन का कारण भी नाम जाप होगा इस कलयुग में। अंतिम बात, जसीडी। ग्यारहवीं बात, जसीडी के सिवा इन बातों का मेरे नाम से प्रचार न कर। यहां तो सबको पता चल गया, बाकी और जहां तुम सत्संग कथा कीर्तन प्रवचन करते हो वहां नहीं कहना कि भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा। वहां तो ये कहना गीता में भगवान ने ऐसा कहा, रामायण में भगवान ने ऐसा कहा। अपनी, मेरी जो तुम्हारी बातें हुई हैं तो मेरे नाम से प्रचार नहीं करना कि मैंने कहा। तो हम और आप तक ये बातें कैसे पहुंच गई? दरअसल भाई जी ठाकुर जी से हुई वार्तालाप के कुछ अंश पत्र में सेठ जी को लिख रहे हैं, उस पत्र से पता चला। तो ये कि किसी को बताना नहीं, मेरे नाम से प्रचार मत कर, अर्थात ये नहीं किसी को कहना कि भगवान ने मुझको कहा तुम लोग नाम जाप करो भगवान इससे मिलेंगे, ऐसा नहीं कहना। बल्कि ये कहना देखो रामायण में ये लिखा हुआ है नाम जप से भगवान मिलते हैं, गीता में ये लिखा हुआ है, इस ढंग से बातें किया करो। और मेरी तुम्हारी वार्तालाप, ये बातें तो बता तो दो सबको, लेकिन मेरे नाम से नहीं बताने। बारहवीं बात, अब इस तरह नहीं आऊंगा, तेरे बिना बुलाए दो बार आ गया। दो बार बुलाया था सेठ जी ने, दो बार स्वयं आ गए, भाई जी ने एक बार भी नहीं बुलाया। चार बार भगवान मिल गए, अब की बारी चौथी बार आए हैं, दो बार जसीडी में और दो बार कांति बाबू का बगीचा गोरखपुर में। उस समय गीता वाटिका नहीं थी, ये बाद में बने। तो भगवान ने कहा अंतर्धान होने से पहले, अब इस तरह नहीं आऊंगा, मेरे बिना बुलाए दो
तेरे बिना बुलाए दो बार आ गया, मुझे ये बातें कहनी थी, इसलिए जब चाहे स्मरण कर बुला सकता है, परंतु भूल मत करना। जब तुम चाहो, जब कोई बात पूछनी हो तुमको, कोई जो कहीं से मिल नहीं रही, ग्रंथों में नहीं मिल रही है, कहीं बात ऐसी फंसी, कोई ऐसा प्रश्न आ गया जो तुम उत्तर नहीं दे पा रहे हो किसी को प्रचार के समय, कोई भी ऐसी समस्या आ गई हो, कोई पूछना हो, तब मेरे को बुला लेना, तुम्हारे बुलाते मैं तुरंत आ जाऊंगा और तुमको बात बता दूंगा। लेकिन दर्शनों के लिए नहीं बुलाना, प्रभु बहुत दिन हो गए आपकी याद आ रही है, दर्शन देने, ऐसे नहीं बुलाना मुझको, काम से बुलाना।